फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शेर सिंह घुबाया ने अपनी बड़ी हार के लिए कांग्रेस के नेताओं पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो पार्टी हाईकमान से इसकी शिकायत करेंगे। हालांकि इसकी शिकायत वो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को कर चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका साथ देने की बात भी कही थी, लेकिन फिर भी उन नेताओं ने चुनावों के बीच घुबाया का विरोध किया, जिसको घुबाया ने हार की वजह बताया है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सब तो वड्डी जित है जिहड़ी सुखबीर सिंह बादल ने प्राप्त करी, तो कहा जाता है कि पूरे पंजाब चो सब तो वड्डी लीड उन्हां दी रही। साढ़े नाल शेर सिंह घुबाया है क्योंकि उन्हां दी नाराजगी हैगी है अपने कांग्रेस के नेतावां नाल, ते दूजे पासे सवाल हैगा ईवीएम मशीन नूं लैके खड़ा करिया जो कि अक्सर चुनावों दे विच देखिया जांदा, पर इन्हां दा टैक्नीकल पॉइंट की है घुबाया साहब? देखिया जाए कह रहे हैं कि पूरे पंजाब दे विचों सब तो वड्डी लीड थोड़ी सीट की हुई है, तो थोड़े पुराने जे कहीए पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल कन्नियों, पहला सवाल की है? नहीं देखो, सुखबीर सिंह बादल इलैक्शन फिरोजपुर तो लड़े है, मेरे मुकाबले तो इलैक्शन लड़े है, तो उन्होंने पहला तो यह उन्होंने कोई कैंडीडेट फिरोजपुर तो नहीं जो मेरा मुकाबला कर सकता, तो फिर इस करके उन्होंने आप इतों इलैक्शन लड़े है और इलैक्शन उदों लड़े है जो उन्होंने सैटलमेंट होगी, जब उन्होंने ईवीएम मशीनों के नाल सारी सैटलमेंट हो के उस तो बाद उन्होंने एक नोमीनेशन फाइल किया, तो उस दिन जो गल उन्होंने कही कि मैं दो लाख वोट से जितूँगा तो 2 लाख वोट से ही जितया, जिसकी उदाहरण मैं पहला भी दस चुके हैं कि जिन्हें भी साढ़े राउंड गिनती के होए उन्होंने इलैक्शन कमीशन की तुम साइट पर जाओगे तो उन्होंने जी परसेंटेज रेशो है वो इक्वल है, एक तो लैके 18 तक जे राउंड आए 37-54-2-2-5 मतलब इक्वल राउंड इक्वल जी है वो किमें हो सकता है, किसी थान पर तो मैनू वोट वध पई होगी, किसी थान पर उन्होंने वध पई होगी, कितने मैं घट पई होगी, पर बराबर किमें हो गया कि 18-18 राउंड उन्होंने बराबर की लीड उन्होंने मिल गई। फिर इलैक्शन कमीशन शिकायत कर रहे हो इस संबंधी कि इन्ना ज़्यादा फर्क या टैक्निकल जो भी चीज़ा विचारियां ने? असी अपने हाईकमांड नाल गल करके उस तो बाद अगला नैक्सट जी है वो डिसीजन करा कि असी की करना है, क्योंकि इस तो क्लीयर है कि साड़ी भावें पार्टी के साडे कई विरोधी सीगे, कुछ साडे लोगों ने लीडर ने विरोधता की, पर उसके बावजूद ही मैनू लगता सी कि मैं इलैक्शन 101% जितूँगा, तो जित जी हार हुई है वो सिर्फ ईवीएम मशीनों की वजह करके। पूरे देश से देखा जाए कांग्रेस को मंडेट नहीं मिले, वो मंडेट की जो कही कि बिल्कुल जमीन पर आ गया, राहुल गांधी हार गए हैं, उसके बावजूद ईवीएम मशीन से सवाल खड़ा करना थोड़ा लगता जायज़ है? मेरा तो मैं जायज़ है, मैं तो लोगों को थोड़े सामने पेश कर सकता, लोग जो पिंड इन्हों वोट 10% भी नहीं पी, उन्हों पिंड इन्हों की लीड है, वो एफीडेविट देने लोग तैयार ने बैठे है, वो तो आप सब बेचारे रोंदे है भी असी जब वोट इनू पाई नहीं तो साढ़े तो लीड किवें लैके चले गए, मेरे नाल तो पब्लिक खड़ी है, मैं तां कर रहा, मैनू एवें नहीं पता सी कि मैनू वोटां तो घट वध पई है, लोग अज भी नाल खड़े है, तो उहदा मैं चाहवांगा कि सरकार इहदी जांच करे क्यों इस तरह का होया, तो वैसे भी तुसीं देश च 7 MP इस तरह के है जिन्हां दी बिल्कुल बराबर वोट 2,80,000 2,11,820 जेतू दी ते हारे दी 1,40,295 सत्त कैंडीडेट फॉर्मेलिटी तय सी, फॉर्मेट तो तय सीगा कि इन वोटों तो नहीं जितना है, तो फिरोजपुर की सीट भी फॉर्मेट तय सीगा कि 2 लाख वोट तो नहीं जितना, तो जितते है सब जिहड़े आपके नेतावां की गल करी है, ये जदों थोनू टिकट दिती गई सी उस टाइम भी कितने कितने ये रौला सामने आया सीगा खड़ा कि जदों यह पूरा चोण प्रचार शुरू है उस तो पहला नहीं कोई गल पार्टी के सीनियर ना गल हुई, चाहे कैप्टन की गल हो चाहे जाखड़ की गल हो? नहीं मेरी गल देखो कैप्टन साहब नाल हुई सी, उन्होंने मेरी वोट की टिकट की सिफारिश की, उस तो बाद राहुल गांधी जी ने टिकट दी, यही होंगे जो टिकट मिल जाती उस तो बाद जी हाईकमांड है उन्होंने बना के उन्होंने नाल तोरती है, उन्होंने कोशिश की है, कैप्टन साहब ने 2-3 मीटिंगा भी लिया, उन्होंने रोकन के बावजूद ही उन्होंने लोगों ने फिर कोई परवाह नहीं की, फिर विरोधता की, फिर हाईकमांड ही कुछ ये बारे डिसीजन लै गई कि लैना है, असं तो दस ही सकते हैं कि उन्होंने वोटा पाइया या नहीं पाइया, वो असं दसा अखीर पूछूंगा कि हूँ अगला एक्शन की रहने वाला है, कि लिखती तौर पर नाम ने जो पार्टी हाईकमान को देने लगे हो या राहुल गांधी को दोगे या कैप्टन दे रहे? नहीं असी पहला तो कैप्टन साहब न दसिया भेजे है, फिर उन्होंने राहुल गांधी हाईकमान ने उन्होंने भेजेंगे दसागे क्या इन्होंने लोगों ने सारी विरोधता की है, फैसला तो फिर उत्थे हाईकमान तो होगा या कैप्टन साहब करे जो भी होगा होएगा। बिल्कुल ये शेर सिंह घुबाया तो कह सकते हैं कि एक वड्डी हार के तौर पर शेर सिंह घुबाया का जो खेतर हैगा फिरोजपुर देखा गया, हालांकि कहा जाए तो हूँ इन्होंने ईवीएम से सवाल खड़े करे हैं, तो दूजे पास गला यह भी है कि अपने ने ही विरोधता क्यों की, तो आखिरकार पार्टी हाईकमान ये उत्ते फैसला लेगी इसनों लैके
पार्टी के जिहड़े नेतावां नाल है गुवाया मिलदे हुए नजर आउणगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप देना सुमी जोशी जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।